दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहलवान के बारे में जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी फाइट नहीं हारी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गामा पहलवान की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गामा पहलवान के पूरे जीवन की कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में हुआ था। अगर आज गामा पहलवान होते तो उनकी उम्र लगभग 144 इयर्स की होती। गामा पहलवान कश्मीरी मुस्लिम परिवार से आते थे और उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श दतिया के तत्कालीन महाराज भवानी सिंह के दरबार में कुश्ती लड़ा करते थे। जब गामा पहलवान 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई थी। अपने पिता की मौत के वक्त तक गामा पहलवान थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ना सीख चुके थे। पिता के जाने के बाद गामा पहलवान के नाना नून पहलवान ने उन्हें और उनके भाई को कुश्ती के दाव पे सिखाने की जिम्मेदारी उठाई। अपने नाना की देखरेख में गामा पहलवान और उनके भाई ने कुश्ती के सारे दाव पे सीखे। गामा पहलवान पहली बार दुनिया की नजर में तब आए जब उनकी उम्र केवल 10 साल की थी। तब जोधपुर में सबसे ताकतवर शख्स की खोज के लिए प्रतियोगिता हुई थी। इसमें 400 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया और गामा अंतिम 15 में शामिल थे। जोधपुर के महाराज इतनी कम उम्र में गामा की ताकत देखकर हैरान रह गए थे। इसी वजह से उन्होंने गामा को विजेता घोषित कर दिया। इसके बाद पिता की तरह गामा भी दतिया महाराज के दरबार में पहलवानी करने लगे। दोस्तों कुश्ती की दुनिया में गामा पहलवान को बादशाहत कायम करने में कड़ी मेहनत भी लगती थी। वह हर दिन रोज 10 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और दमखम बढ़ाने के लिए अखाड़े में एक दिन में 40 पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हर दिन 5000 बैठक और 3000 दंड किया करते थे। कभी कभी 30 से 45 मिनट तक एक डोनट के आकार का उपकरण पहनकर वो ट्रेनिंग करते थे जिसका वजन 100 किलो था। यही नहीं, वो रोज 6 देसी चिकन, 10 लीटर दूध, आधा लीटर घी, 1.5 लीटर मक्खन, बादाम का शरबत और 100 रोटियां खाया करते थे। दोस्तों गामा पहलवान का करियर भी काफी शानदार रहा। उन्होंने अपने 5 दशक लंबे पहलवानी के करियर में एक भी हार का सामना नहीं किया। 10 साल की उम्र से उन्होंने अखाड़े में दाव पेच अजमाने शुरू किए और इसके बाद जिसके खिलाफ भी उन्होंने कुश्ती लड़ी केवल और केवल उन्हें उस कुश्ती में जीत ही हासिल हुई। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया। इसमें ब्रूसली जैसे दिग्गज भी शामिल है। फिर इसके बाद 1910 में गामा पहलवान पहली बार लंदन गए और वहां जाकर गामा ने खुली चुनौती दी थी कि वो किसी भी वेट कैटेगरी के 3 पहलवानों को महज 30 मिनट में धूल चटा सकते हैं। हालांकि उनकी उस चुनौती को बाकी पहलवानों ने हल्के में लिया। काफी समय तक किसी ने गामा पहलवान की चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसे में गामा ने हैवीवेट पहलवानों को चुनौती दी। उन्होंने विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस जेविस्को और फ्रैंक गोज जैसे पहलवानों को चुनौती दी और कहा कि अगर वह उन्हें हरा देंगे तो इनाम में जो राशि मिलेगी वह उन्हें देकर घर लौट जाएंगे। गामा की चुनौती लेने वाले पहले पहलवान अमेरिका के बेंजामिन रोलर थे। गामा ने पहली बार रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में चित कर दिया और दूसरे को 9 मिनट 10 सेकंड में। दूसरे दिन उन्होंने 12 और पहलवानों को हराया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। भारत लौटे तो 5 फीट 8 इंच के कद वाले गामा पहलवान रुस्तम हिंद भी बने। फिर दोस्तों 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ जिसमें गामा पहलवान पाकिस्तान में ही रह गए। 1960 में 82 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान में उनके नाम का डंका बजता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।